सबसे पहले आप अपने नाम से चालू करेंगे और किस तरह की शूटिंग हो रही है, कैसा गाना है, क्या कुछ है आप? अभी हम सब एक बॉबी जी की म्यूजिक वीडियो है गणेश की दुखियारी माँ, हम सभी उसमें काम कर रहे हैं। मैं उसमें सुदर्शन चैतन्य का रोल प्ले कर रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी धार्मिक चीज़ों पर है और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर के हम इसको कर रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, मीन्स अच्छा फील हो रहा है करते हुए। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं बॉबी जी का, जिनके निर्देशन में ये जो भक्ति गीत है जो बन रही है, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और गणेश की दुखियारी माँ में मैं नंदिनी चैतन्य का रोल प्ले कर रही हूँ और मुझे ये भजन करते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, जो कि इतना धार्मिक ये भजन है और उतना ही इंस्पायरिंग है। इस भजन से, इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में बहुत ही उत्साह आएगा और एक बिल्कुल ही नया है, एक नए तथ्य को लेकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो पूरे कुल मिला के हम ये कहें तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। इस तरह के वीडियोस जो हैं, गाने आते रहते हैं और आ भी रहे हैं, तो बॉबी सर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, बॉबी सर के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में जो इस तरह से कॉपरेट करते हैं, गाइड करते हैं एंड लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये रेयर चीज़ है। बाकी सब चीज़ें तो हर कोई करता है, तो इसलिए ये मतलब बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम लॉन्ग एसोसिएशन में और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मैम, इस गाने की सिंगर भी आप हैं एंड लीड एक्टर भी आप हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस बहुत ही खूबसूरत गीत को मुझे गाने का मौका मिला। और मुझे नहीं पता था कि गाने के साथ साथ मुझे इसमें काम करने का भी मौका मिलेगा, इसमें मैं लीड में काम करूँगी, ये मुझे पता नहीं था। तो मैं इसके लिए भी बॉबी जी को वंस अगेन थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और निश्चय ही मैं ये कह सकती हूँ कि उनका सपोर्ट सबसे बड़ा है और जिस तरह से वो मोटिवेट करती हैं नए कलाकारों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले कल में हम उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मेरा नाम विनय नरेश मात्रे है और मैं यहाँ पे बॉबी जी का गणेश जी की दुखियारी माँ उस वीडियो सॉन्ग के लिए मैं इधर यहाँ पे शूट कर रहा था। अच्छा सॉन्ग है। आपने इसके पहले भी किया हुआ है या ये फर्स्ट? नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। मेरे को अच्छा लगा कि ये फर्स्ट सॉन्ग है, मेरे को उतना अपॉर्चुनिटी दी बॉबी जी ने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि वीडियो सॉन्ग के लिए। किस तरह से कनेक्शन हुआ बॉबी सर से आपका? मेरा कनेक्शन तो बहुत लंबी स्टोरी है। पहले तो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने एक फोटो लाइक किया था, वहाँ पे उन्होंने मेरे को मेरा प्रोफाइल चेक किया, उसके बाद में उनके पास से मेरे को कांटेक्ट हुआ कि आप मेरे वीडियो सॉन्ग में आप काम करोगे कि नहीं करोगे। मैं बोला कि हाँ, मैं, मेरा तो पहली बार ही था वहाँ पे, मैं बोला कि हाँ मैं करेगा वहाँ पे काम। इस तरह से वो स्टोरी बनती गई। और क्या कुछ प्लानिंग है आगे, क्या करने वाले हैं आप? आगे तो बहुत जाने का मन में ख्याल है, पर अभी बॉबी जी के साथ रह रह के आगे जाने का सोचा है। जो जो अपॉर्चुनिटी देते जाएंगे वो उसके साथ हम आगे जाएंगे। एक भक्ति सॉन्ग आप कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? हाउ डू फील टू प्ले दिस मोमेंट? वैसे तो अच्छा लग रहा है, मन में बहुत कुछ है। मतलब पहली बार कर रहा है तो बहुत मन में अच्छा लग रहा है कि पहली बार कुछ कैमरे के सामने आया है, तो अच्छा लग रहा है। अभी इतनी बेहतरीन चीज भक्ति सॉन्ग। भक्ति सॉन्ग मेरा स्टार्टअप तो भक्ति सॉन्ग से हुआ, गणेश जी का सॉन्ग से ही हुआ है, तो अच्छा सा सॉन्ग है, आगे भी और अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। ओके वेलकम। ये लोग ये सॉन्ग लोग नाम से चालू करेंगे और किस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इस गाने में? हाँ, मेरा नाम कृष्णा रघुवंशी है और मैं इस एल्बम में पंडित का कैरेक्टर कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये करते हुए। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बॉबी जी का कि उन्होंने इस योग्य समझा। और एल्बम के बारे में ये बोलूँगा कि एक बहुत ही अच्छा ये एल्बम है, क्योंकि नई साल के दिन, नए साल के अवसर पर कुछ ऐसा निकल कर आना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ये बाप्पा की मेहरबानी थी, बाप्पा की कृपा थी
जिसकी वजह से हम आज इस सॉन्ग पर काम कर रहे हैं, और विघ्नहर्ता गणेश हमारे साथ में हमेशा रहें, और यही बस मैं कहना चाहूंगा। शुरुआत हुई है विघ्नहर्ता गणेश से, तो इसके लिए कितने एक्साइटेड थे आप कि ये गाना करना, या इसके पहले आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया? जी मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन मैंने अपने होम टाउन में काम किया है। बेसिकली मैं MP से हूँ, तो वहाँ पे मैंने काम किया है, और यहाँ मेरा ये फर्स्ट वर्क है, और बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर इतना अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिला। और निवेदिता मैम का सॉन्ग बड़ा ही प्यारा है, उनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, और वो भी बहुत प्यारी है। किस तरह से कनेक्शन हुआ आपका बॉबी सर से? कनेक्शन बॉबी सर से मैं 2017 में मिला था वसरा स्टूडियो में, जब उनका एक शूट चल रहा था, तो उसके दौरान हम मिले, और फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, और फिर आज यहाँ है बॉबी सर के साथ में। और कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स और व्यूअर्स से? हाँ, मैं बॉबी सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बॉबी सर का ऐसा है कि अकेला चला था मैं सफ़र में रही, आगे बढ़ता गया और कारवा साथ लेता चला। थैंक यू सर। बालक आपका अक्षय गाने पे शूटिंग कर रहे हो आप लोग, क्या करेक्टर है आपका, क्या नाम है उस करेक्टर में? बालक चैतन्य। और आपका? अर्जुन क्षेत्र। पहली बार कर रहे हो ये कि इसके पहले भी किया है? पहली बार है। कितना मजा आ रहा है कि नहीं? पप्पा का शूट हो रहा है उसके साथ में हम भी, मजा आ रहा है। और बॉबी सर के साथ आप कर रहे हो, इतने बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उन्होंने मुझे मुझे लिया है, तो मैं उनके लिए बहुत बड़ी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप? अभी और कुछ अपने दर्शकों से कहेंगे कि गाने को सुनो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो? हाँ, बोल दीजिए। बोलो, गाने को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। ये जो गाना बन रहा है, इसमें क्या करेक्टर है आपका? इसमें मेरा एक बॉलीवुड जो रहीस घर की, मतलब बहुत घमंडी, पैसे वाली हूँ, तो मैं दान करने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे मतलब एक जो है वो मेरा ब्रेसलेट चुरा लेती है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपके कैरेक्टर का क्या नाम है इसमें? मेरा कैरेक्टर का नाम है बिंदु पवार। एक भक्ति सॉन्ग है ये, तो इस भक्ति सॉन्ग को करके मतलब कितनी खुशी होती है कि जब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो गणपति जी का कर रही, इससे अच्छा लकी और क्या हो सकता है। जो सबसे पहले हर पूजा में, हर किसी चीज में गणपति जी का नाम लिया जाता है, तो मुझे सबसे पहले जो एल्बम में लिया है गणपति जी की, मैं बहुत खुश हूँ मैं तो। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे गणपति जी का सॉन्ग मिला, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज, ये डोर है क्या यहाँ पे? इसके पहले भी आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, या फर्स्ट टाइम है ये? नहीं, मैंने इससे पहले मूवी की है, जो अभी 2003 में आई थी, सूर्या मूवी, मराठी मूवी थी, मराठी में भी हिंदी में भी थी। और उससे पहले मैंने बहुत से सीरियल किए, क्राइम पेट्रोल, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, महादेव, बहुत से सीरियल मैंने किए, और मैंने मूवी भी की है, एड भी किए, काफी चीज किए मैंने। बॉबी सर के साथ कैसे आपका कनेक्शन हो गया? बॉबी जी से तो मैं आज से नहीं, मैं उनके बहुत पुरानी दोस्त हूँ, और हम लोग बस ऐसे मिल गए, जब से मेरी बहुत दोस्ती है और बहुत अच्छी है। वो मुझे मेरे को अपनी बेटी मानती है, मैं भी उन्हें अपनी माँ मानती हूँ। मैं बहुत उनसे अपनी माँ जैसा प्यार करती हूँ, मेरे लिए वो बहुत कुछ है। मैं कभी भी उदास होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, अपना दिल हल्का करने के लिए मैं उनके पास आ जाती हूँ, वो मुझे एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ मैं उनके पास आके, सारे गम सारे टेंशन भूल जाती हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मतलब मैं उनसे मिली, उनके साथ जुड़ी हूँ, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी।
बात करें इस गाने के अलावा भी क्या आप और कुछ कर रहे हैं या आप कमिंग में आने वाले? हाँ, अभी मेरे को कमिंग में एक परसों अतरसों ही मुझे एक मूवी के लिए ऑफर आया है, तो मैंने उधर हाँ की है, उन्होंने बोला ओके, तो शायद हो सकता है 16-17 से वो लोग शूट चालू करेंगे। और कुछ दर्शकों से आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि बस आप लोग मुझे प्यार दो, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी, और मैं जो जैसा आप बोलोगे मैं वैसे, बस मुझे प्यार दो और मुझे बस सम्मान दिलाओ, आई लव यू सबके लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आप अपने नाम से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम नितेश विजय पुरळकर है। आप इस गाने में माफिया कलाकार हैं, किस तरह का कैरेक्टर है आपका? एक्चुअली मेरा कैरेक्टर है कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें कैसा है कि रिच फैमिली है, रिच बैकग्राउंड है, तो पैसा है, तो एरोगेंट है उसके अंदर, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि पैसे का माज है उसको, तो वो टाइप का कैरेक्टर है मेरा, तो जिसको ये लो लेवल की जो कास्ट है, तो लोग रहते हैं उसको ज्यादा पसंद नहीं करता, या फिर वो उनको कुछ समझता ही नहीं उनके सामने, तो उनको ऐसा मतलब देखना है, ऐसा बुरी नजर से देखना वगैरह वगैरह, तो चलता है, ऐसा एक नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा जो स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर। इस गाने को लेकर बात करें, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है जो हाई क्वालिटी के लोग ऐसे, तो देखो देखने और लोगों की थिंकिंग में रहते हैं, अभी जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी थिंकिंग बहुत मतलब एजुकेटेड है, लेकिन उन लोगों को जब रिचनेस या फिर फेम मिलता है तो उन लोगों को लोअर क्लास के लोगों को ज़्यादा ये नहीं पसंद नहीं करते, या फिर आजू बाजू में पसंद नहीं करते, तो हाँ बेसिकली ऑल ऑफ सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं कि जो मिडिल क्लास या फिर लो क्लास के लोग रहते हैं, तो उन लोग को ज्यादा वो लोग ज्यादा नजदीक करते नहीं, या फिर उन लोग को झिड़का के लगाते हैं ज्यादा, ऐसा है बहुत से लोग। तो रियल लाइफ में आप किस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं और कहां middle class, से? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं रहने के लिए कल्याण में हूं। तो हाँ, इस गाने में आपने बताया कि मेरा रिच कैरेक्टर है, इसके पहले भी आपने कुछ ऐसे? हाँ, मतलब मेरा, मैं एक प्रोफेशनल मॉडल भी हूँ, मैंने कभी रिसेंट में ही मैंने एक ब्यूटी पेजेंट जीता है, और मैं थिएटर भी करते रहता हूँ, और मेरा स्किट परफॉर्मेंस चलते रहते हैं, एकांक मतलब मराठी में जो बोलते हैं एकांकी का कॉम्पिटिशन वगैरह, उसमें भी मैं परफॉर्म करते रहता हूँ, तो बेसिकली मेरा थिएटर से मैं बहुत बिलोंग कर रहा हूँ। अभी ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, और मेरा नसीब से मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो मेरा गणपति सॉन्ग मिला है, और आई एम खुद गणपति जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मतलब जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी आई ना सामने से, मैंने बोला फिक्स मुझे करना ही करना है, मैं भले नेगेटिव कैरेक्टर रहे फिर भी मैं करना ही करना है मुझे कुछ भी हो जाए। बॉबी सर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? या बॉबी सर ने मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मीटिंग हुआ था ये प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने उनसे बस रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट में छोटा रोल भी रहेगा लेकिन मुझे देना है, आप मुझे कुछ भी करके दो, लेकिन थैंकफुली उन्होंने अच्छा खासा एक बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन एक अच्छा खासा बड़ा स्टेज पे मुझे लाके रखा उन्होंने, कि ये ऐसा कैरेक्टर है ना कि इसमें बहुत से लोग हेट भी करेंगे मुझे कि ये कैसे हो सकता है, या फिर ये आदमी ऐसे कर कैसे सकता है, या फिर ये लड़का कैसे कर कैसे सकता है, लेकिन उन लोग को उसके पीछे की मतलब रियलिटी मालूम नहीं है, जब पूरा सॉन्ग आएगा मार्केट में तो फिर उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ बाबा ऐसा ही हो सकता है कभी मार्केट में। और पर्सनल लाइफ में आप कुछ कर रहे हैं या अपकमिंग में आपका कुछ? नहीं, फिलहाल तो एज अ कैमरा मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ एक सॉन्ग के जरिए, बट मैं थिएटर यही पहले कर रहा था, तो अभी तो मेरा कैमरा का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इससे पहले अगर बाद में देखेंगे बॉबी जी ने अगर कुछ अप्रोच किया सामने से मूवीज वगैरह के लिए, तो डेफिनेटली मैं उनके साथ आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी काम करूंगा, या फिर कहीं ऑडिशन वगैरह से चल रहे हैं, फिलहाल तो अभी तो आए नहीं सामने से कोई कॉल वगैरह, तो देखेंगे आया तो फिर करेंगे साथ में। दर्शकों से कोई लास्ट मैसेज? हाँ, दर्शकों से देखिए ये सॉन्ग जो है ना, ये गणपति का बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो मैं आपसे इतना ही प्रे करूंगा कि इसको सॉन्ग को बहुत से लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर भी कीजिए, और हो सके तो मार्केट में इसको बहुत ऊपर भी लेके जाइए, और गणपति जी के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, I am just busy now, sorry.
तो सबसे पहले वही आप अपने नाम से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम अनिल भालेराव है और मैं एक प्रोफेशनल मॉडल और एक्टर हूँ। इस मूवी में आपका किस तरह का इंटर है, क्या कैरेक्टर है आपका? ये सॉन्ग में मेरा कैरेक्टर रिच फैमिली से है और मेरा कैरेक्टर नेम है रघु शेट्टी और वही मतलब घमंडी, मतलब रिच फैमिली से एक घमंडी और एक नेगेटिव कैरेक्टर दिया है मैम ने सॉन्ग में, तो लीड कैरेक्टर ही है वो। सर ने आपको आपका फेस देख के, आपकी पर्सनैलिटी देख के तो ये कैरेक्टर नहीं दिया? हाँ, मैं एक्चुअली साउथ मूवी में एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ, तो मैम ने देखा मेरा लुक देखा और मैम ने देखा भी मैं मार्केट में कर रहा हूँ काम ये वो, तो मैम ने मुझे अप्रोच किया है सॉन्ग के लिए। ये फर्स्ट सॉन्ग है सर के साथ या इसके पहले आपने और किसी के साथ भी किया है? हाँ, मैंने वेब सीरीज की है पहले, तो वेब सीरीज की है, अपना साउथ मूवी किया है विजयम और अभी मेरा मार्केट में एक मूवी आ रहा है 3-4 महीने के बाद विपस्ना, जो उसमें भी एज ए लीड रोल किया है, तो थिएटर में आने वाला है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमको गणपति बप्पा के गाने पर एक एक्टिंग करने का मौका मिला है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं, कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत है क्योंकि सबसे पहले हम लोग गणपति के नाम से ही सब सारी चीजें शुरुआत करते हैं, शो हो या कोई भी, गणपति के नाम से ही सब शुरुआत होती है और ये सॉन्ग में मुझे काम करने मिला, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। बॉबी सर के साथ कैसा आपका रिलेशन है? बॉबी मैम को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, उनका जो पिछले वेब सीरीज का प्रोजेक्ट हुआ था, शॉर्ट फिल्म का भी हो गया था, उसमें भी मैं बॉबी मैम के साथ काम किया था। और कुछ ऑडियंस से मैसेज? ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ कि गणपति बापा का सॉन्ग बहुत अच्छा है और टी सीरीज और जी म्यूजिक पे आने वाला है, तो आप सब लोग देखो और सपोर्ट करो हमको और हमारी टीम को। और मैं भाई आपका भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने इंटरव्यू लिया और आप इतने जगह पे जाते हो, क्योंकि हम लोग को स्टार बनाने वाले लोग आप भी हो, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ और बॉबी मैम का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हाय, मेरा नाम मानवी राज है। आप तो इस सॉन्ग में किस तरह का आपका कैरेक्टर है, किरदार है जो? मेरा इस तो यानी कि इस सीरियल में मैं कैरेक्टर यानी बड़े घर की बेटी का रोल कर रही हूँ और बॉबी जी ने मुझे ये रोल दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। आप वैसे भी लग रहे हैं रिच फैमिली से, तो आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं ना एक बड़े परिवार से बिलोंग करती हूँ। आप इस भक्ति सॉन्ग को प्ले करके, मतलब कि इस तरह का कैरेक्टर है आपका, किरदार है एक भक्ति गाने में, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी आपको? मुझे ना बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें ना मैं एक बड़े फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। इसके पहले भी आपने कहीं किया हुआ है कुछ प्रोजेक्ट पे काम या आने वाला है आपका कोई प्रोजेक्ट? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले कभी नहीं हुआ है, मेरा ये फर्स्ट शो है। और क्या प्लानिंग है आगे, क्या कुछ सोच लेकर आई हैं आप मुंबई लखनऊ की सर जमीन से? अरे सोच तो लेकर आई हूँ एक एक्टर बनने की, अच्छी एक्टर, अब वो देखो पर वाले की मर्जी है बनाते हैं या नहीं। थैंक यू। So, आज शूटिंग हो रही है भक्ति गाने की, आपका कैरेक्टर भी है, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कैरेक्टर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे को ये नई शुरुआत तो है नहीं, इससे पहले दो तीन ऑलरेडी मेरे प्रोडक्शन हाउस से 2-3 चीज़ें निकल चुकी हैं, ब्रीड है, सोलम, सुशांत एंड खुशियाँ अधूरे आँचल की, और ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोरोना के बाद, गणेश की दुखी आ रही माँ।
एक भक्ति सॉन्ग है, सो हाउ वुड यू फील टू प्ले दिस मोमेंट? नहीं, भक्ति सॉन्ग तो देखिए मैं ऐसा कुछ खास नहीं होता, लेकिन हर किसी इंसान के अंदर अगर हम महसूस करना चाहें तो भगवान सभी के अंदर होता है। हम भगवान इंसानों में तो भगवान पैदा होता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई पत्थरों में हो गया या किसी में हो गया, तो इंसानों में भगवान पैदा होता है और किसी के अच्छे कर्म ही इंसान को जीते जाता महसूस कराता है उस चीज़ के लिए, एक पॉजिटिव थिंग्स आती है उस चीज़ को करने के लिए। और मुझे काफ़ी दिनों से एक था कि कुछ ऐसा मैं पब्लिक के सामने वीडियो बनाऊँ ताकि कुछ मोटिवेशन मिले आने वाली जनरेशन को और आने वाले यूथ को इसके लिए। हाँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिच फैमिली है, पुअर फैमिली को इग्नोर करती है, उनके अंदर एटीट्यूड है, ये भी दिखाया गया इस गाने में। और आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का आपका किरदार है इसमें? देखिए, मेरा जो किरदार है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा दिखा कि आजकल के यूथ लोग जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को बीच रोड पर रस्ते में छोड़ देते हैं, इसी लाइन को मैंने पकड़ के इस वीडियो का शूट किया। ये वीडियो बहुत शानदार और बेहतरीन है, जब आप देखेंगे तो उसको बार बार देखने की इच्छा जरूर करेंगे इस चीज़ को देख के। कहाँ कहाँ की लोकेशन ली गई है और कितने दिनों में शूट हो? एक्चुअली ये लोकेशन मैंने मुंबई की लोकेशन पर ली है और सोहा में, मड में और मड के एक दो बंगलो हैं उनके अंदर हमने तो शूट किया हमने। इस गाने में कितने एक्टर एक्ट्रेस हैं? इसमें हमने ना काफी कुछ दिखाया, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और साउथ इंडस्ट्रीज को मिक्सअप दिखाया है कि देखिए कई बार होता है ना, जैसे हमारी साउथ की इंडस्ट्रीज कैसी होती है, बॉलीवुड की कैसी होती है, उनके अंदर का नेचर कैसा होता है, वो हमने दिखाया है। और हमें चाहिए कि आने वाले यूथ को हम आगे लेके आए, जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है उन कलाकारों को हम सामने पर्दे पे लेके आए ताकि उनको मौका मिले, क्योंकि कई बार होता है नेपोटिज्म का शिकार होते हैं, जैसे कई बार प्रोडक्शन में होता है कि हम एक बार बार एक ही चीज़ को कास्ट करते हैं, तो नए लोगों को भी मौका दीजिए ना, शायद वो भी उन लोगों से बहुत बेहतरीन कर सकते होंगे। तो ये मेरी सोच है और मेरा प्रोडक्शन इसी के लिए आगे भी अग्रसर रहेगा, आने वाले यूथ के लिए और आने वाले कलाकारों के लिए। आप प्रोडक्शन भी संभालते हैं एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, कितना चैलेंजिंग रहता है ये? हाँ, बहुत चैलेंज होता है क्योंकि कलाकार होने के साथ में डायरेक्शन और प्रोड्यूसर तो चलो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है डायरेक्शन करना बहुत ही टेढ़ी खीर मान लीजिए और ऊपर से एक्टिंग करना, तो ये बहुत सारा मतलब एक ऐसा होता है कि आप अपॉर्चुनिटी, हाँ या बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि अलग ही डिफरेंट तरह की जॉब होती है जिसको मैं अकेले ही मेंटेन करती हूँ उन चीजों को लेकर। जैसे आपसे आपने कहा कि नए नए आर्टिस्ट को मैं आगे बढ़ने का मौका देती हूँ, हाँ। तो अगर आपसे जुड़ना हो तो लोग किस तरह से जुड़े और अभी तक कैसे? देखिए, मैं सोशल नेटवर्क पे सब जगह हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, पिनडिन पे और यूट्यूब पे, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और अपना नंबर भी मैंने कई जगह शेयर किया हुआ है, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। आपके पेज का नाम कुछ? मेरे पेज का नाम बॉबी कुमार है और मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ, माँ शांति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें हम सोचते हैं कि जितने बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेवा के लिए, तो काफी लोग होते हैं जो दान करते हैं, तो उन सेवा हम चाहते हैं कि कलाकार होने के नाते हम आने वाले बच्चों में वो फीलिंग पैदा करें कि वो भी ये नए काम करें। सबसे काफी सारे गाने आते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरह के, तो इस गाने में क्या बेस है जो लोग देखना पसंद करें इसे? इस गाने में हमने बहुत कुछ दिखाया कि देखिए भगवान हर किसी के अंदर होता है, नर में भी होता है, नारी में भी होता है, हर एक जेंडर में भगवान होता है अगर माने तो इसी दिन, अगर ना माने तो कहीं पे भगवान नहीं है। हमारी आस्था और विश्वास ही एक इंसान के अंदर भगवान पैदा करता है, तो वही मेरी सबसे बड़ी बात है, तो मानने की तो सभी जगह लोग मानते हैं, तो इसमें कोई अलग सी बात कुछ है नहीं। हर आर्टिस्ट जो मिले हैं फ्रेशर हैं कुछ, और कुछ तो कर चुके हैं थिएटर मूवी, हाँ जी, तो किस तरह से आप उनको कन्विंस करते हैं या क्या कुछ? नहीं, मुझे कन्विंस करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी मेरा काम है और मेरी चीजें हैं वही लोगों को फॉलो करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और खुद ही वो चाहते हैं कि वो काम करें, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। देखो, काम ही बोलता है ना इंसान का, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो लोग अपने आप ही खींचे उनके पास में चले आएंगे। और इस गाने के माध्यम से लास्ट मैसेज आप कुछ ऑडियंस को देना चाहते हैं? बस मेरा ये कहने का मतलब है, आप आने वाले बच्चे जितने भी हैं और आने वाले यूथ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को घर में रह के उनकी सेवा कीजिए, रोडों पर भटकने मत दीजिए, क्योंकि कहते ना कि माँ बाप के बिना स्वर्ग नहीं है, जन्नत नहीं है, तो सब उन्हीं के है कदमों में, मंदिरों में घंटी बजाने से भगवान पैदा नहीं होते, ये मेरी सोच है, तो यही मैं मेरे आने वाली वीडियो का आगाज है कि ऐसे सेम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरा इंटरव्यू लेते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मेरे साथ में होते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।